अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल और आप लोग देख रहे हैं अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट। तो आज मेरे पास आप लोगों के लिए क्रिकेट के हवाले से कुछ अपडेट है, मगर शुरू करने से पहले मैं आप लोग से दरख्वास्त करना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पोर्ट अपडेट को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आप लोगों को मजीद लेटेस्ट क्रिकेट एंड रेसिंग अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। उमर अकमल ने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ा मार दिया। बुकी की जानिब से स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश का इंकशाफ किया तो आईसीसी भी मैदान में आ गया। उमर अकमल को बड़ा झटका दिया। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी उमर अकमल ने बुकी की जानिब से स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश का एतराफ़ किया तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी मैदान में आ गया। आईसीसी ने उमर अकमल के बयान का नोटिस लेते हुए कहा है कि उमर अकमल की फिक्सिंग से मुतालिक बयान की तहकीकात होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उमर अकमल के बयान से वाकिफ है। उन्होंने मजीद कहा कि आईसीसी की एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अहलकार जल्द अज जल्द उमर अकमल से बात करेंगे। फिक्सिंग जैसे मामलों पर खिलाड़ियों का बर वक्त रिपोर्ट करना काफी अहम है। वादा रहा है कि उमर अकमल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान इन्हें सिर्फ दो गेंदें छोड़ने की आवाज $2,00,000 की पेशकश हुई जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इनका कहना था कि वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले मैच में न खेलने के पैसे मिलने की पेशकश भी हुई, लेकिन मैंने जवाब दिया कि मैं मुहब्बिल वतन हूँ, दोबारा मेरे साथ ऐसी बात मत करना। तो दोस्तों, ये तो उमर अकमल के स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से कुछ अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी क्रिकेट से जुड़ी कुछ खबरें। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अब्दुल्ला स्पॉट अपडेट को और साथ वाली बेल आइकन की अलामत पर क्लिक करें ताकि आप लोगों को मजीद स्पोर्ट अपडेट मिलती रहे। शुक्रिया। इन अल्लाह हाफिज़।